है, मैंने अलाउ कर दिया ना, सेंड कर देना ओके मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, देखो शिफ्टिंग यहाँ पे प्लस है, अगर ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़, किस किस तरीके से जाएगा देखो, अगर ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, दिस इज नॉट अ हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप यहाँ से हट जाता है, ये ग्रुप और यहाँ से हट जाता है और ये ग्रुप जाके जुड़ता है इसके पास, ये ग्रुप यहाँ से, ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये कार्बन हट यहाँ पे, यहाँ से हट के यहाँ पे जुड़ता है, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है और बॉन्ड जुड़ता है इसके साथ। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनने वाला है, आप प्लीज एक बार चेक कर लो। इज इट, आप एक बार चेक करो और मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि इसका कन्वर्जन इस तरीके से होने वाला है कि नहीं होने वाला है? सोचो थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने जो शिफ्टिंग करा है, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है कि कैसे शिफ्टिंग चलती है और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। साइक्लोप्रोपेन का यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे इसको पूरा हटा के शिफ्टिंग करके मैंने ऐसे जोड़ दिया है, क्लियर है? तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन का ऐसे बन सकता है ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, आर यू क्लियर कौशल मुदित? यस मैम, क्लियर? ओजस, दीपांशि, मानवी, सारे बच्चों को पूछ रही हूँ मैं, अमन क्लियर है? यहां से क्लियर है, यहां से ये ऐसे जुड़ा था। अब मैंने क्या करा है, मुझे यहाँ पे अगर मिथाइल भी होता हाइड्रोजन भी होता मैं शिफ्ट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन चाहिए। मुझे मैं क्या करती हूँ, इस कार्बोकैटायन को जब मैं यहाँ पे लाती हूँ, ये यहाँ से मिट जाता है, यहाँ पे आता है और ये वाला ग्रुप जुड़ता है इसके साथ। अब ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये साइक्लोब्यूटेन बन चुका है, चार कार्बन का साइक्लोब्यूटेन। अब ये प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, और ये जो CH3 ग्रुप है इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया है, ठीक है? तो दिस इज सिंपली 1-2 एल्किल शिफ्ट कहते हैं इसको, क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास HBr जोड़ना था, तो मुझे बताओ HBr कहाँ पे डलेगा, Br कहाँ पे डलेगा? कार्बोकैटायन यहाँ पे बना है, तो Br मेरा डलेगा। मेरा कंपाउंड ऐसे था, रिएजेंट रिएक्टेंट जो है अब प्रोडक्ट बन चुका है इस फॉर्म में। ऑल क्लियर अगर है तो फिर मैं आपके जो वहां पे क्वेश्चन पड़ा है वो करवाऊंगी अभी। क्लियर ना? थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एक ऑफलाइन क्लास होता ना तो मैं पास जाके आपको प्रॉपर समझाती, बट ये हो नहीं पा रहा है, जितना हो पा रहा है उतना कर लो यहाँ पे। ऑल क्लियर ओजस, अमन? मैम क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अच्छा मान यहाँ से मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया है, अगर और पॉसिबिलिटीज होता और कार्बोकैटायन में शिफ्ट कर पाती या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज होता तो फिर मैं साइक्लोपेंटेन में जाती, अगर पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया है इस तरीके से, मेरा आ गया है यहाँ पे, आ चुका है मेरा, जैसे मैंने ये तो ऐसे ऐसे तो मैंने आपको ये अपने साइड से एक एग्जांपल करवा दिया है, ये है नहीं ऐसा वाला, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, आपको साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट करा है चीजों को समझाना, ठीक है? तो मान लो अब यहाँ पे अगर ये 2 डिग्री है, अब ये मेरा 3 डिग्री है, मान लो ये और एक बार शिफ्ट होना चाहेगा, मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बैक नहीं करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं तो कोई फायदा नहीं है, फिर अगर हो सके तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, बट कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे मेरा Br जुड़ेगा, ठीक है? और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे और शिफ्टिंग का,
कई बार ऐसा होता है कि इसके बाद भी शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी और होती है, तो फिर हमें उसको देख देख के आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा, मान लो आपका ऐसा ही कंपाउंड है, अब आप मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। क्या बनेगा शिफ्टिंग के बाद? ऐसे ही कुछ है, आपको ऐसे ब्यूटेन में ना क्या करा गया है ना, ब्यूटेन में ऐसे HBr डाल दिया गया है और बोलेंगे प्रोडक्ट बना हुआ, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, ब्यूटेन रहेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट HBr दे देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा। तो आप थोड़ा आइडिया दे सकते हो प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है? कैसे प्रोडक्ट बनने वाला है? साइक्लोपेंटेन बनेगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, क्लियर है? यस मैम। ऐसे दे देंगे तो इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे प्लस आ गया, HBr है तो ये प्लस यहाँ पे आ गया। अब ये प्लस अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मान लो ये प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप हटके जुड़ेगा इसके साथ, क्लियर है? और अगर ऐसे होता है तो ये साइक्लोपेंटेन है कि नहीं, एक बार चेक करो, एक दो यहाँ पे भी कार्बन था ना, एक दो तीन चार पांच, तो मेरा प्रोडक्ट इस तरीके से बनने वाला है ना, ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर है? Yes, ma'am, ऐसे प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, बिकॉज मेरे पास बी आर माइनस यहाँ पे है, बी आर माइनस फाइनली क्या करने वाला है, यहाँ पे बी आर आ जाए। And I hope अब आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता चल चुका है। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक देख लेते हैं। अच्छा, ये शिफ्टिंग मेडिकल में तो चांस ही नहीं है, भूल जाओ, ऐसे शिफ्टिंग नहीं आएगा आपको। ये आइदर जेई मेंस में आ सकता है, एडवांस्ड का कॉन्सेप्ट है ये, जो इस तरीके का शिफ्टिंग चलता है, साइक्लिक शिफ्टिंग, जो जिस तरीके से हम और बेटर कार्बोकैटायन देखते जाते हैं और साइक्लिक का फॉर्मेट चेंज हो जाता है पूरा, क्लियर है? ओके, साइड वाले कंपाउंड में एच शिफ्ट नहीं हो सकता? कहां पे? ये वाला मैम, इसके साइड में साइक्लोब्यूटेन, ये वाला साइक्लोब्यूटेन साइड वाला राइट में, ये वाला। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या होगा मैम, इसमें एच शिफ्ट नहीं हो सकता? कहाँ से होगा एच शिफ्ट, ये वाला? यस मैम, यहाँ से मालूम तो एच शिफ्ट करा, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये भी है कि हम यहाँ पे मेरे पास ये CH3 पड़ा है और यहाँ पे प्लस था, है ना, यहाँ पे प्लस था ना पहले, तब उसको मैंने BR बना दिया है। अगर प्लस यहाँ पे शिफ्ट होता है तो शिफ्टिंग यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये शिफ्टिंग यहाँ पे आ जाता है, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा हाइड्रोजन आ सकता है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ना? डेफिनेटली यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो शिफ्टिंग यहाँ पे आ सकता है, बहुत अच्छा। और अगर होगा तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनने, बहुत अच्छा दिया। क्लियर कौशिक? क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, मुझे स्लाइड नहीं कर रहा था। यस यस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ना। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे है, तो प्लस यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इस पोर्शन में, तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। और हाँ, आपको ये भी ऑप्शन रहेगा, अभी जो मैंने BR यहाँ पे जोड़ा था वो भी ऑप्शन देंगे वहां पे, और ये भी ऑप्शन रहेगा। अब आपको ध्यान देना है कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, मेरा आउट ऑफ बैंड जा रहा था अभी, कौशल अगर नहीं बताते तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ बैंड जा रहा था, हाइड्रोजन है, कि हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला BR यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे पूरा क्लियर है कि नहीं, बोलो? हम तो ऊपर वाला प्रोडक्ट, मैम तो ऊपर वाले प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल नीचे वाला जो आपने लिखा है वो है। हाँ डेफिनेटली, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना मेरा ना, मेरा यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा था, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन, आप चेक करो कार्बोकैटायन यहाँ पे हाइड्रोजन से कितना दिखा रहा है और यहाँ पे कितना दिखा रहा है कंजुगेशन,
पे कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटन कितना हाइपोकोजन दिखा रहा है यहाँ पे, आई थिंक तीन दिखा रहा है टोटल, तीन हाइपोकोजन दिखा रहा है, तीन यहाँ पे, दो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तीन हाइपोकंजुगेशन है यहाँ पे, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, अरे टू मच, बहुत ज्यादा, सेवन मैम, सात दिखा रहा है, सात, सेवन, टू टू एंड थ्री. तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बनने वाला है, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. कई बार मैं वही बोल रहा हूँ, कई बार आपको सब कुछ पता होते हुए भी ठीक कंसेप्ट ठीक टाइम पे आपको स्ट्राइक नहीं करेगा ना, अच्छा चाहिए हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो नहीं पता. अमन क्लियर? ये थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन जा रहा है बच्चे, मानवी, दीपांशी, सनोबर, थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है ना. यस यस, देखो डाउट है तो मुझे बता दो और धीरे धीरे हो जाएगा, एक ही दिन में सब कुछ. तभी तो मैं बोल रही हूँ कि कीप द वीडियो विथ यू, जब भी आपको लगता है कि साइक्लिक कंपाउंड में दिक्कत आ रही है तो देख लेना इसे. मुदित क्लियर है कि नहीं है? पूरा क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको और एक क्वेश्चन कराती हूँ, अभी करवाती हूँ, ठीक है? तो ये पूरा क्लियर है, मैं इसको रब कर रही हूँ. यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या, और जैसे यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे भी तो वो केस बन सकता है ना बच्चे, जो केस यहाँ पे बना है वो केस यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो, हो सकता है? यस, सेम ही तो केस है. यहाँ पे कार्बोकेटायन है, शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे बीआर जुड़ गया, यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं? Yes. बस यहाँ पे भी शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे बीआर फाइनल जुड़ जाएगा. वो ध्यान आने वाली बात है कि उस टाइम आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं वो चीज, जहां ये शिफ्टिंग चल सकती है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं देंगे नॉर्मली, मैंने जेई मेंस में भी कभी बच्चों का आते हुए मैंने देखा नहीं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करने जा रही हूँ, आपको और एक कंपाउंड में दूंगी, आप मुझे सॉल्व करके दिखाना. तो फिर ये क्वेश्चन था, आपने अटेम्प्ट कैसे करा, गैस करके? दो चीजें करेंगे, टाइम थोड़ा मुझे बता दो बच्चे, हाथ में इतना टाइम हो गया, देख लेते हैं. 10:45 हो गया पूरा. अच्छा, मेरा नेट भी खत्म हो गया. ये लास्ट है शायद, मैं आपको लास्ट ही करवा रही हूँ, देन आई ठीक. इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे मांगा गया है, दो चीजें हैं यहाँ पे, दोनों का प्रोडक्ट मांगा गया, इसके बाद छुट्टी करेंगे, लास्ट है ये, एंड आई होप अभी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी एक दो अगर बचा है जो मुझे समझाना है तो कंसेप्ट इसमें बहुत सारे होते हैं, मैं देखूंगी अगली क्लास अगर पॉसिबल मैं आपको बता दूँ, ठीक है? इस तरह आपको क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, क्वेश्चन का भर भर के जितना क्वेश्चन करो कंसेप्ट उतना ही निकलेगा. इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, आप मुझे बताओ साइक्लोहेक्सेन जितना शिफ्टिंग करूंगी ना साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में भी आंसर आएगा, ये साइक्लोपेंटेन है, अगर ये पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग की और अगर साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो सकता है तो 100% साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होना चाहेगा. सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम फिर उसमें चलेंगे. और दोनों ही कार्बोकेटायन है, यहाँ पे H2SO4OH अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, सेम कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एंड शिफ्टिंग ऑल्सो,
यहाँ पे HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, सेम कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एंड शिफ्टिंग आल्सो, क्लियर है। अच्छा अब हम चलते हैं इसका पहले सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से। बनेगा ये सॉल्व नो, अब रिस्पॉन्ड करते चलो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है ना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये OH अगर यहाँ पे हट जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे H+ है ना, ये H+ यहाँ पे इसको स्ट्राइक कर लेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, पहले प्रोटोनेशन होने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा बहुत अच्छा, अब ये कार्बोकेटायन पहला शिफ्ट तो यहाँ लेगा, अच्छा अगर लेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकती हूँ हाइड्रोजन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा अब ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये 2 डिग्री है ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन में कन्वर्ट नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन में ही रहेगा और यहाँ पे यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ पे यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी कार्बोकेटायन। अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन शिफ्ट होता है तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट होगा, यहाँ से क्या जाएगा वहां पे, अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ से कौन सा ग्रुप निकल के वहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि मुझे तो साइकिल को चेंज करना नहीं है ना, अगर मुझे यहाँ पे साइक्लोपेंटेन अगर होता तो मैं साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड निकाल देती, इस बॉन्ड को यहाँ पे जोड़ती, वो अलग बात है, बट यहाँ पे ऑलरेडी साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे कोई शिफ्टिंग कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा साइक्लो वाला कंपाउंड का, सीधा यहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन, वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो कंपाउंड है वो इस तरीके से बनने वाला है, जस्ट अ मिनट, इज इट यस मैम, मैंने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है क्योंकि मुझे इसका फॉर्मेट को चेंज करना ही नहीं है, मोस्ट स्टेबल है ये, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, चला गया, ठीक है। अब मेरे पास H2SO4 है, डिहाइड्रेशन मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, HSO4 माइनस एक बल्की बेस यहाँ पे वेट कर रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ बन के निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे मेरा इस तरीके का कंपाउंड बनने वाला है माइनस H+ के बाद, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये H+ निकल गया है और जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे बीच में आ चुका है यहाँ पे, और साथ में तो हाइड्रोजन तो रहेगा यहाँ पे, अब दिखाओ चाहे हाइड्रोजन को नहीं दिखाओ तब भी चलेगा। मैम ये पैरा वाले पोजीशन के साथ भी हो सकता है ना, किसके साथ मैम, जो ऊपर पैरा कार्बन है, कौन सी, ये वाले, नहीं नहीं मैम, इसके लेफ्ट साइड में जो एक ऊपर कार्बन, ये कौन सी, ये वाला, नहीं मैम, मतलब जो जो H+2 साइड वाले कार्बन से निकले उसके जस्ट नीचे वाले प्लस वाले कार्बोकेटायन के नीचे वाले जो कार्बन से निकले ना, मैम ऊपर वाले फिगर, यस 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 यस, वहां पे, हां हां डेफिनेटली डेफिनेटली, आप ऐसे बनाओ क्या प्रॉब्लम है, बात तो वही है ना, क्लियर है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा क्लियर है, तो हम वहां पे चलेंगे अभी, मैम क्लियर है, क्लियर है, ओके तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, देख सकते हैं ये तो साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे तो मुझे फॉर्मेट चेंज करना ही नहीं था साइक्लो का, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन ऑलरेडी है, साइक्लोहेक्सेन बन के ही प्रोडक्ट निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे HBr डाल देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका मानवी बच्चे आपको समझ में आ रहा है ना, ये मानवी, यस मैम, यस मैम, सनोवर प्रेजेंट है, यस मैम,
हाँ हाँ बेटा, कहीं पे डाउट है तो मुझे टोक के पूछ लेना, मुझे रोक के पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट को सस्टेन मत करने देना। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे जब SBR इलेक्ट्रोफिलिक रिलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस है, ये H प्लस को कैप्चर कर लेगा, H प्लस पहले जाके, H जो है पहले जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा और उसके बाद कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से पहले कंपाउंड बनेगा, ये वाला बॉन्ड हट चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे H प्लस जो है यहाँ पे जुड़ चुका है और ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसके साथ Br- भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मुझे जोड़ना है। अच्छा अब ये कार्बोकैटायन यहाँ पे 2 डिग्री है, अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट होता है बाय चांस तो मैं साइक्लोपेंटेन से साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मेट में ले सकती हूँ इसको आराम से, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, डेट टू 3 डिग्री भी रह जाएगा, डिग्री भी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो डिग्री भी बढ़ जाएगा, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत कुछ उसका फायदा है। तो इस कार्बोकैटायन को जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो यहाँ से कौन सा ग्रुप निकल के वहां पे जाएगा, इस ग्रुप को मान लो कार्बोकैटायन को मैं यहाँ पे लाऊंगी तो यहाँ से कौन सा ग्रुप हटके यहाँ पे जुड़ेगा, शिफ्ट कौन सी, किस किस चीज का शिफ्टिंग होने वाली है, एल्किल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये मिथाइल ग्रुप तो है बट मिथाइल शिफ्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि मुझे फॉर्मेट ही चेंज करना है। तो जब ये कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा तो ये वाला ग्रुप जो है ना ये पूरा हट के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कार्बन है तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये साइक्लोहेक्सेन बन चुका है, अगर आपको चेक करना है तो इट विल बी लाइक दिस, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, इट विल लाइक दिस, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसको और इस तरीके से ये प्लस, यहाँ पे एक मिथाइल भी ग्रुप है और प्लस भी है और यहाँ पे इस तरीके से चल चुका है, देख लो चेक कर लो एक बार, है कि नहीं बोलो, आ गया इस फॉर्मेट में, yes, क्लियर है। अब यहां से मैंने कार्बोकैटायन यहाँ पे था, कार्बोकैटायन को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, मेरा कार्बोकैटायन यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ चुका है, अब ये हेक्सेन हो गया है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है इस तरीके का, एक ये वाला तो ग्रुप यहाँ पे रहेगा ना, अब ये ग्रुप तो यहाँ पे रहेगा, प्लस यहाँ पे पहले प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे Br को जोड़ना है, Br- को जोड़ना है, HBr को ऐड करना था, H तो पहले ऐड हो चुका था, Br- को जोड़ना है तो Br- कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे प्लस है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है Br- यहाँ पे जुड़ जाएगा दूसरा, ये प्लस यहाँ पे हट जाएगा, क्लियर है कि नहीं बोलो मुझे, या फिर अगर आपको मैं ऐसे ही देती हूँ क्योंकि आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा बाद में जब आप देखोगे ना, तो इसमें मैं Br- को ऐड जब करती हूँ तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बनने वाला होता है ये, है कि नहीं देख लो एक बार, मिथाइल तो रहेगा, Br भी आके यहाँ पे प्लस जगह पे जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड फाइनल बनेगा। अब आप खुद चेक करो कि ये आंसर है कि नहीं है आपके ऑप्शन में, बाकी टाइम बहुत हो चुका है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता चल गया है कि शिफ्टिंग साइक्लो में किस तरीके से होता है, शायद अभी आपको इजी भी लगने लगेगा ये सब, क्लियर है ना मैम? क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो अब हम क्लास रखते हैं, शिफ्टिंग किस तरीके से हो रही है, अभी आपको देखो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको बहुत पढ़ा रही हूँ ना, आपको बहुत क्लियर लग रहा है, ये डे बाय डे क्या हो जाएगा, आप भूल भी सकते हो इसको क्योंकि चीजें ही ऐसे, इतना इंसान कितना कंसेप्ट याद रखेगा, तो इसीलिए अगर आप भूलते हो तो फिर मैं तो हूँ, मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक है। और अभी आई थिंक आपने अगर कॉपी में नोट डाउन करा है तो बहुत अच्छी बात है, सारा नोट डाउन करा है ना कॉपी में? यस मैम, सारा लिखा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, और रिकॉर्डिंग भी है, अगर आपको कहीं भूल जाते हो कुछ भी तो रिकॉर्डिंग को सेव करके रखना, देखना है। आई होप कि ये भूल, ये वैसे भूलने वाला है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ये,
एक बार अगर पता चल गया ना, रिकॉर्डिंग के लिंक्स आपको भेजूं या फिर ग्रुप में डाल दो? ग्रुप में डालना है तो डाल दो एटलीस्ट बच्चों का। हाँ, कौन सा 26? हाँ, एक काम करते हैं कौशल, एक काम करते हैं बच्चा, 11 बज गया है, मैं नेक्स्ट क्लास तुम्हारा जो डाउट है ना, आई गॉट इट, तुम्हारा जो भी डाउट है 26, आज मैं आपको और एक पेपर डालूंगी ना, तो पेपर के साथ ये जो एक तुम्हारा डाउट बच गया है क्वेश्चन नंबर 26 कमिंग क्लास बता दूंगी, 100% बताऊंगी, क्योंकि अभी 11 बज गए हैं ना, अभी थोड़ा मुझे भी काम है, रात हो जाता है क्लास लेते लेते, जो भी है आज मुझे था इतनी बार इतना बताओ, ये मुझे भेज देना, मुझे सुपर क्वेश्चन कैसे भेजोगे बेटा, मुझे भेज सकते हो? मैं लिंक भेज दूंगा ना, हां भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ग्रुप में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, क्या करें जो नहीं आ रहा है, कम से कम उसका फायदा तो हो जाए घर में बैठे बैठे, मुझे तो ये भी समझ में आता है कि अगर हम रिकॉर्डिंग भेजते हैं तो घर में पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग देखते भी है कि नहीं देखते हैं, है ना, कुछ कुछ बच्चे आएंगे भी नहीं, आप अगर उनका हेल्प भी करना चाहोगे तो उस हेल्प को एक्सेप्ट तो करना चाहिए, है कि नहीं? जैसे तुम कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आता, आप बहुत सिंसियर बच्चे में से हो, आप रेगुलर आते हो, मान लो आप किसी दिन मिस करते हो तो आपको क्या रहता है, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं एक लिस्ट देख लूंगा, ये लगता है ना, तो बच्चे हैं नहीं उतना है उनको, वो चीज नहीं है, क्या कर सकते हैं, डाल देना ग्रुप में डाल देना, ये ओजस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैं ग्रुप में डाल दूंगा फिर, मैं तो यही चाहूंगी ना सारे बच्चों का थोड़ा समझ में आ जाए, और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ क्लास में प्रेजेंट होके पढ़ना अलग है, जितना आप रिकॉर्डिंग देखो ना, क्लास का जो होता है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, तो आज की क्लास 100% क्लियर है कि नहीं है मुझे बोलो, फिर मैं छुट्टी करूंगी, क्लियर है, पूरा क्लियर है, आपको ऐसे कंसेप्ट अगर कहीं पे भी दिखेगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है, दीपांशी, मानवी, सनोबर, चले फिर मैं छुट्टी करूं, ओजस, अमन, कौशल का डाउट एक रह गया है, कौशल का डाउट है, हाँ मैं कमिंग क्लास, और कौशल तुम्हारा जो डाउट है आप इसको सीखने के बाद एक बार ट्राई करना, और ध्यान रहे एक चीज का, ध्यान रहे कार्बोकैटायन जो स्टेबल होता है पहले उसको लेते चलना, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे, देख लेना ये वाला क्वेश्चन, तुम खुद ट्राई कर लेना, फिर मैं बताऊंगी कमिंग क्लास, ठीक है, मैं फिर छुट्टी करती हूँ, ठीक है, यस मैम, ठीक है, ओके, हाँ ओके ओके बेटा, ओके चलते हैं फिर ना।